कहाँ रह गए पापा? आज मेरा बर्थडे, उन्होंने अब तक मुझे विश भी नहीं किया। पापा, तुम पे ये हमने हरा रंग डाला, पापा। ओ, मार डाला। अरे बेटा संजना, तुम यहाँ यहाँ कैसे? पापा, ये हमारे घर का कमरा है, चांदनी है, जो आप मुझे हैरानों के पूछ रहे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, क्या है कि तुम अचानक से आई ना, इसलिए। तो अब क्या अपने आने का सायरन बजाते हुए घूमू मैं पापा? अब व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और मैं आपको कब से आवाज दे रही थी, क्या कर रहे थे आप? अच्छा वो बेटा क्या है कि मैं खोया हुआ था। और ये क्या छुपा रहे हैं आप पापा? नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं बेटा, कुर्ता है, कुर्ता कुर्ता दिखाइए। शो पापा, साड़ी, अब आप साड़ी को कुर्ता बना के पहनेंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू पापा? कैसे शौक पाल के रखे हैं आपने? नहीं नहीं, नहीं, नहीं बेटा देखो, तुम गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। आप ये साड़ी किसके लिए लाए हैं? कोई खास ओकेजन है? नहीं बेटा, ऐसा ऐसा तो कोई खास कुछ खास नहीं। कम ऑन पापा, मुझे बताइए ना, आपको मेरी कसम, क्यों लाए आप ये साड़ी? बेटा देखो, तुमने अपनी कसम दे दी है और मैं तुम्हारी कसम कभी तोड़ नहीं सकता हूं। कुछ खास तो है। ओके, टेल मी। बेटा क्या है कि आज के दिन ना, मिस्टर साजन की सास ने एक तोता पाला था और बिल्कुल इसी साड़ी के रंग का था, हरे रंग का। तो उस तोते मियां की याद में मैं उनको ये हरे रंग की साड़ी आज गिफ्ट करूंगा, जिसे देखकर उनके तोते उड़ जाएंगे। कैसी लगी तुम्हें? Are you sure आप कुछ भूल नहीं रहे पापा? आज के दिन शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल याद आ गया मुझे, कैसे भूल सकता हूँ। थैंक गॉड, फाइनली आपको याद आ गया पापा। बोलिए, व्हाट इज इट? आज बिजली का बिल जमा करना है, वरना लाइट कट जाएगी। और तुम्हें पता है कि बेटा, मैं अंधेरे में रह नहीं सकता, मुझे घुटन होती है, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ अंधेरे में। पापा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू डेट याद है, लेकिन ये याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है पापा। आप ये भूल चुके हैं कि आज मेरा बर्थडे है। अरे हाँ, तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा? अगर आपको याद है तो आपने मुझे विश क्यों नहीं किया? वो क्या था बेटा कि मैं साड़ी फोल्ड कर रहा था, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। आप ये साड़ी फोल्ड करते ही रहिए पापा, और प्लीज अपने झूठ को आप कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए, वरना यही साड़ी आपको पहना दूंगी। आई हेट यू पापा, व्हाट काइंड ऑफ अ फादर आर यू? बेटा संजना, संजना बेटा कितनी एग्रेसिव हो गई है ये संजना, बच्ची हाथ से निकल गई। मोहतरमा की साड़ी के चक्कर में मेरे दिमाग से बच्ची की जन्म तारीख भी निकल गई। सब कुछ हाथ से निकल रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा। टू संजना, सॉरी फ्रॉम बॉस, सॉरी फ्रॉम छेदी। अरे छेदी, क्या बना रहा है यार तू? ये सर वो मैडम के लिए कार्ड बना रहा हूँ सर। कार्ड? ओह, आज क्या कोई फादर्स डे डॉटर्स डे टाइप का आइटम है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो सर क्या है कि मैडम के लिए सॉरी कार्ड बना रहा हूँ। वो जब कोई गलती हो जाती है और आपको माफी मांगनी होती है, ऐसा कार्ड देने से ना तो माफी जल्दी मिल जाती है सर। अच्छा, एक काम करना, ऐसे 15-20 कार्ड बना के ना मुझे भी दे दे, कश्मीरा को देने के काम में आएंगे ना घर पे। वैसे तू क्यों बना रहा है? वो क्या है सर कि मैं, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। और सब बढ़िया मैडम? आप यहाँ मेरा हालचाल पूछने आते हैं या काम करने आते हैं? सॉरी मैडम, सॉरी। छेती से कह दीजिएगा मेरे केबिन में कॉफी भेजने के लिए। आप खुद ही क्यों नहीं कह देती मैडम, सामने ही तो खड़ा है। अब आप सवाल भी करने लग गए मिस्टर साजन, जितना कह रही हूँ उतना कीजिए बस। क्या हुआ भाई, इतनी तपी हुई क्यों थी? क्या कांड किया तूने? सर मैडम थोड़ी सी नाराज है सर। ये थोड़ी नाराज थी है? क्या किया बता, क्या कांड किया तूने? क्या नई मम्मी ले आया क्या मैडम के लिए है? हो गया मेरी सास से ब्रेकअप खत्म? अरे सर कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है सर, आज मैडम का बर्थडे है तो मैं भूल गया सर। क्या मैडम, मैडम का आज बर्थडे? हाँ सर। यार तुम
क्या यार सर के बच्चे, इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने अभी तक नहीं बताई यार, इतनी बड़ी बात कोई भूलता है क्या? सर दिमाग है सर, सर दिमाग से निकल गया सर, तो इसलिए भूल गया सर, अब इतनी सी बात पे बच्ची रूठ गई। इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है? मेरी सास का मुजरा लास्ट टाइम कब सुना था तूने? 21 अगस्त रात को 12:30 बजे सर, रेडियो पे गाना बज रहा था, वो नाच रही थी, मेरे हाथ में सर गजरा था मोगरे का फूल वाला, उन्होंने चुटीला बांध रखा था, मेरे मुंह पर कभी कभी ऐसा मारती थी, मुझे अच्छा लगता था सर। छोटा वाला कौन से कलर का लगा था वहाँ? मेरी सास की हर एक डिटेल बारीकी से याद है तुझे, और अपनी बेटी का बर्थडे भूल गया तू? सर पियोन हूँ सर, इतना सारा काम होता है ऑफिस में सर, दिमाग से निकल गया तो निकल गया। तू लेमन जूस ले, तू पियोन के भी लायक नहीं है, मैं अगर मैडम की जगह होता ना तुझे वॉचमैन रखता, वॉचमैन। मिस्टर साजन क्या कह रहे थे आप छेदी से, आप उसका डिमोशन करना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपने कानों से सुना है, आप उसे कह रहे थे कि मैं तुझे पियोन की जगह वॉचमैन बना दूंगा, व्हाट इज दिस? नहीं वो एक्चुअली सर छेदी बहुत मेहनती है ना, एंड आई एम श्योर कि वो वॉचमैन और पियोन दोनों की भूमिकाएं बहुत अच्छी तरह से निभा लेगा। और सर इसमें फायदा आप ही का है ना, पैसे बचेंगे सर। करेक्ट करेक्ट मिस्टर साजन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, I like it. अरे छेदी मैडम की कॉफी दे आ यार। सॉरी सर, देखिए सर ये भी भूल गया मैं सर। सर मैं कॉफी बना के लाता हूँ सर, मैं वहाँ पे जो है कॉफी बनाता रहूँगा सर, और एक हाथ से जो है ये पेंटिंग में करता हूँ। शक्कर कैसे डालेगा कॉफी में? वो डाल लूंगा सर, रहने दीजिए सर, डाल लूंगा। शाहराज आज मैडम का बर्थडे यार, मेरी संजना मैडम का बर्थडे यार, आज के दिन अगर मैंने मैडम को खुश कर दिया ना तो पूरे साल वो मुझसे इम्प्रेस रहेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा यार, मैडम आज ज्वालामुखी बनी हुई है, कभी भी फट सकती है। मे आई कम इन मैडम? कम इन। मैडम ये खटमल स्प्रे की फाइल है, कुछ आइडियाज है, आप चेक कर लीजिए। क्या बात है मिस्टर साजन, आज आपको बुलाना नहीं पड़ा, आप खुद ही आ गए काम लेकर। शो आज काम में मन कुछ ज्यादा ही लग रहा है मैडम, डेडिकेशन बढ़ गई है। क्या बात है मिस्टर साजन, ऐसे ही डेडिकेशन बनाए रखिए, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। आज तो मैडम हर काम में मजा आ रहा है, आज स्पेशल डे है। स्पेशल? हाँ मिस्टर साजन, क्या है स्पेशल आज के दिन में मिस्टर साजन? प्लीज टेल मी कि आपकी सासू माँ ने कोई पहला तोता पाला था और समथिंग लेता है। तोता? नहीं मैडम, उससे भी बढ़िया एक बात है, आज के दिन किसी का जन्म हुआ था, मुझे वैसे ठीक से कुछ याद आ नहीं रहा है, लेकिन हैप्पी बर्थडे मैडम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको जन्मदिन की ढेरों हजारों करोड़ों लाखों शुभकामनाएं। आपको याद है, आप ही को तो याद है मिस्टर साजन। थैंक यू सो मच, यू नो व्हाट, आई ओ यू दिस वन। आप बताइए आज का मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, आप जैसे बताएंगे वैसे सेलिब्रेट करेंगे, टेल मी। क्या है? गुब्बारा। आपने इससे बड़ा गुब्बारा आज तक नहीं देखा होगा मैडम, और आज आपके बर्थडे पे ये गुब्बारा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फुलाऊंगा। I don't like big balloon, Mr. Sajan. Get out. Mr. Sajan, आप फिर से अपने ख्यालों में खो गए, कहाँ जा रहे हैं आप मिस्टर साजन? वो मैंने बर्थडे विश कर दिया था ना, तो मैं जा रहा था अपना। और आप ये क्या जताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको मेरा बर्थडे याद था? Yes, मैडम मुझे आपका बर्थडे याद था, मैं अपनी सैलरी का दिन भूल सकता हूँ लेकिन आपका बर्थडे कभी नहीं भूल सकता मैं। Oh God, Mr. Sajan, आप भी झूठे हैं, जस्ट लाइक माई पापा, आपको तो ये पता भी नहीं होगा कि आज मेरा बर्थडे है, बस आपको पापा से पता चल गया होगा। नहीं नहीं मैडम, नहीं आई स्वेयर मैडम मुझे पता था मैडम, आज का दिन मुझे कब से पता था, और आज के दिन का मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था मैडम। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आप मिस्टर साजन? Right, yeah. okay.
साजन, तो आज मेरा बर्थडे है तो आप गिफ्ट भी लाए होंगे मेरे लिए, दिखाइए क्या गिफ्ट है। गिफ्ट 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 हाँ हाँ गिफ्ट लाया हूँ मैं, गिफ्ट लाया हूँ मैं, लेकिन सुबह सुबह एक्साइटमेंट में घर से निकलते निकलते मैं गिफ्ट घर पे भूल आया मैडम। हाउ कन्वीनियंट मिस्टर साजन, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बता तो सकते हैं कि क्या गिफ्ट लाए हैं आप मेरे लिए, टेल मी क्या गिफ्ट है। गिफ्ट बताते नहीं है मैडम। साजन अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आप मेरे लिए कुछ लाए हैं गिफ्ट में, तो आपको बताना तो होगा, यू हैव टू टेल मी व्हाट इट इज। सोने के झुमके लाया हूँ मैडम। सोने के झुमके, दैट्स थॉटफुल, दैट्स इंटरेस्टिंग। आपको अच्छा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा मुझे मिस्टर साजन, क्योंकि आज ज्वेलरी मार्केट की स्ट्राइक है, तो आई एम श्योर आपने मेरे लिए गिफ्ट लाई ही होगी और मैं वो गिफ्ट देखना चाहती हूँ मिस्टर साजन, बिकॉज अगर आपने नहीं लाई होगी तो आज तो आप उसे नहीं ला पाएंगे। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर जाएं और मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आएं। जी मैडम। यस मिस्टर साजन, गो गेट इट फॉर मी, मैं देखना चाहती हूँ। जाइए मिस्टर साजन, डोंट वेस्ट टाइम। कहाँ से लाऊं यार सोने के झुमके? क्या है यार, मैं हर बार मैडम के ऊपर फूल फेंकने जाता हूँ और कहीं से पत्थर आके मेरे सर पे पड़ जाता है। कहाँ से लाऊं यार सोने के झुमके? सारी सुनार की दुकानें बंद है, कोई तो आइडिया। खिलौने, मेरा सच्चा दोस्त, मेरा साथी, मेरा काला सोना, यही मेरी मदद कर सकता है। साजन। हाँ साजन बोल। खिलौनी मेरे यार, कैसा है, क्या कर रहा है भाई? या तो तू मुझसे उधार मांगने वाला है या किसी पंगे में फंस गया है। हम लोगों का कितना दिल का कनेक्शन है ना खिलौनी, हम लोग एकदम जुड़े हुए हैं, बिना बोले तू सब समझ जाता है यार है? अबे इसमें समझने वाली कौन सी बात है बे? तुझसे मुझसे प्यार तभी होता है बेटा जब कोई स्वार्थ होता है, वरना तू तो खून करके पार्टी देने वालों में से एक है। अब ये बता नया ड्रामा क्या है बे? यार सुनना, हुआ ये है कि ना, पता यार। अरे यार साजन ये क्या किया तूने यार? बेटा तू खुद लटक जाएगा लेकिन मैडम के कानों में झुमके नहीं लटका पाएगा, डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अरे तो मैं क्या करूं यार, मैं भी तो दिल के हाथों मजबूर होना यार। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ यार, अब मेरी अनारकली इतनी टेढ़ी है तो मैं क्या करूं, तू बता ना। अबे वो सलीम राजकुमार था यार, अगर तुझे लव स्टोरी बनानी है तो कोई सस्ती से बना है, राजू लव शीला टाइप का कुछ। तुझे आइडिया देना हो तो दे, मेरा मजाक मत उड़ा, समझ गया ना तू? हाँ तो और क्या बोलूं यार, हर बार हीरो बनने के चक्कर में मैडम के सामने खुद ही गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे से निकालने के लिए मुझे आना पड़ता है। हाँ तो निकाल ना भाई यार, तेरा दोस्त नहीं हूँ क्या मैं? ऊपर खड़ा होकर तू मिट्टी फेंक रहा है यार मुझ पे, निकाल यार कोई आइडिया तो निकाल। अच्छा नहीं नहीं मैं तेरी खामोशी समझ रहा हूँ, शाम को अपने अड्डे पे स्पेशल 90 आएगा तेरे लिए, स्कॉच का तेरे लिए सिर्फ। ये हुई ना बात, अब आइडिया सुन, तू चोर बन जा, तू लेमन चूस ले। तू साले मुझे रास्ता बता रहा है कि मेरे रास्ते लगा रहा है तू? हैं? पता है हर सुनार की दुकान में आजकल सीसीटीवी कैमरास होते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया ना इतने डंडे मारेगी, इतने डंडे मारेगी मुझे, और यहाँ की पुलिस का पता है ना तुझे, फिर बैठना होता है मुझे दिन भर ऑफिस में। अबे यार सीसीटीवी कैमरा सुनार की दुकान पे लगा रहा था ना, तेरे घर में तो नहीं है ना? मतलब ये तुझे अपने ही घर में हाथ साफ करना होगा, कश्मीरा भाभी के पास तो बहुत सारे गहने हैं, तो बेटा एक आग झुमके चुरा के दे दे मैडम को। तू पूरा पागल हो गया क्या खिलौनी? अगर कश्मीरा को पता चल गया मैंने चुराए हैं तो दादी आ जाएगी, उसके बाद वही झुमके पहना के ना मुझसे मुजरा करवाएंगी वो, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं, छोड़। अरे डोंट वरी यार, तुमने पहले भी मैडम के लिए तो डाका डाला है ना अपने घर पे, तो इस बार भी डाल दे यार, बी ए प्रोफेशनल है। अबे साले कुत्ते, 3-4 हजार की चोरी में और गहने चुराने में फर्क होता है, समझ गया ना? ये बड़ी डकैती है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे नहीं होगा ये यार, बड़ा रिस्क है ये। अच्छा तो दूसरा रास्ता जो है ना वो तुझे गड्ढे पे लेके जाएगा। तू कैसी कैसी फालतू की बातें कर रहा है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा चोरी यार, मेरा मन नहीं मान रहा यार।
नहीं तू कैसे बकवास आइडिया, तू खत्म हो गया खिलौनी एक्चुअली। हाँ नहीं नहीं तू खत्म है, अब कुछ नहीं बचा तेरे पास, तू छोड़ यार मैं कुछ और सोचता हूँ। कैसे कभी ना फोन कट कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गया यार खिलौने। वाओ मम्मी इतनी सारी ज्वेलरी का कलेक्शन, इसमें से कितनी ज्वेलरी तो मैंने देखी नहीं कभी, कहाँ से खरीदी? अरे पगली ये सब मैंने खरीदे थोड़ी ना है, ये सब तो मेरे कदरदानों ने मुझे नजराना दिया, मेरा मतलब अलग अलग जगह से लिया है। संजय तुम इतनी जल्दी, भोपू तो आया नहीं अभी तक। अरे मेरे नौलक के हार, चमक जा मेरे दामाद की आंखों में और पूछो रे इससे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने ऑफिस में किसी के ऊपर अपनी भूखी भड़ास निकाल दी हो और खेती जी ने इसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया हो। ओ सासुमा कभी तो सीधी बात भी कर लिया करो यार, नौकरी से निकाल दिया गया हो, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो ये जो मटका लेके आप, ये सुराही बन जाएगा एकदम, और भूखी भड़ास मेरी नहीं आपके छेदी जी की आंखों में भरी हुई है। इतनी जल्दी कैसे आ गए? यार बेबी तुम भी यार, मैं रोज जब मैं लेट आता हूँ तो मुझे 10 बातें सुनाती हो कि संजू तुम आवारा हो, बेवड़े हो, टल्ली होके आते हो, मेरा भाई टाइम पे आ जाता है। आज जब मैं शराफत से बिना टल्ली हुए एकदम साफ सुथरा जल्दी घर वापस आ गया हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है मैं वापस जाता हूँ। रुको रुको, सॉरी ना संजू, शक तो हो गई ना, हमेशा इतनी जल्दी कहाँ आते हो, भोपू ही आता है फर्स्ट। हाँ तो भोपू क्यों आता है फर्स्ट ये पता है तुम्हें? किस हिसाब से निकलता है वो? ऑफिस छूटने के आधे घंटे पहले वो रेंगता हुआ पता नहीं कैसे सुमड़ी में ना सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और फिर खिसक खिसक के नीचे निकल के कैसे गायब हो जाता है वहां से, किसी के बाप को नहीं पता चलता आज तक। अगर मैं ऐसा करने लगू ना तो मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक देंगे ऑफिस वाले। ऐसा मत बोलो ना संजू। क्या यार, ऑफिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं जल्दी निकला वहां से, ज्वेलरी मार्केट गया था। अब ज्वेलरी मार्केट पूरा का पूरा बंद पड़ा था तो मैं घर आ गया यार, और कहां जाता मैं? ज्वेलरी मार्केट? कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस का बहाना लेके किसी और के लिए गिफ्ट ले रहे हो? यार तुमसे ना शक ना करने की उम्मीद करना ना लोमड़ी के आगे बीन बजाने वाली बात है। लोमड़ी के? संजू वो भैंस के आगे बीन बजाना होता ना। हाँ तो तुमको भैंस बोल दूंगा तो फिर इनको क्या बोलूंगा मैं? कश्मीरा छोड़ इस कल मुहे को और तू चल जल्दी से, हमें किटी पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। किटी पार्टी? किटी पार्टी का बोल के कहीं और तो नहीं जा रही हो? पति हो ना, पति के तरीके से रहो, पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। चलो मम्मी। वाह यार ये अजीब है यार, यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है और दोनों माँ बेटी बिल्कुल मजे ले रही है एकदम। सासू माँ तो ऐसे तैयार होके कहने, बाप रे यार यहाँ एक एक रुपया कमाने में आदमी के जूते घिस जाते, इतना खजाना दबा के बैठी हुई है सासू माँ, इनके नवाब साहब डकैत थे क्या? ये वाले झुमके तो मैंने सासू माँ को कभी पहने हुए नहीं देखा। इनको पार कर देता हूँ, सासू माँ को क्या पता चलेगा, और पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा यार उनको, छेदी को भी तो दबोच रखा है उन्होंने, और बनवा लेंगी 50-60 ऐसे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी यार, इन सब चीज़ों के मामले में सासू माँ की पसंद एकदम A1 है यार, मैडम को ये झुमके ज़रूर पसंद आएंगे। हेलो मैडम। हेलो मिस्टर साजन, कहाँ हैं आप और मेरा गिफ्ट कहाँ है? आ रहा हूँ मैडम, बस मैं आ रहा हूँ। बहाने छोड़ रही हैं मिस्टर साजन, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जब आपके पास कोई गिफ्ट है ही नहीं तो आप लाएंगे कहाँ से? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका गिफ्ट इस वक्त मेरे हाथों में चमक रहा है। रियली? यस यस मैडम रियली। आज मैं अपने प्यार को, ये वो, अपने अपनी बॉस को प्यार और सम्मान का सबूत देकर रहूंगा मैडम, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। जल्दी आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ अब इन झुमकों को पॉलिश करवा के मैडम को दूंगा,
शायद मेरी किस्मत भी पॉलिश हो जाए और मैडम मुझ पर खुश हो जाए और खुश होकर अपने बर्थडे का केक मुझे बाइट करने दें।